अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। एसडीएम मनमोहन मीणा ने समस्त विभागों की समीक्षात्मक बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए बैठक की झलकियां। आज सर जो ये मीटिंग हुई थी समीक्षा बैठक, उसमें क्या क्या आपने खामियां पाई और किन किन विभागों को पामंद किया, थोड़ा हमें बताओ सर। आज साप्ताहिक मीटिंग थी हमारी ब्लॉक अनूपगढ़ की, जिसमें सबसे ज्यादा जो चिंता की बात थी वो थी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता जल योजना और वाटर वर्क्स के द्वारा जो पानी की सप्लाई पेयजल की जा रही है, उसमें वो पानी शुद्ध पानी ना पिलाया जाकर कई जगह से शिकायत आ रही है कि बिना फिल्टर किए पानी सप्लाई किया जा रहा है, रॉ वाटर। इसके लिए एक एसडीएम से भी कंप्लेंट आई थी, जिसके लिए मैंने विकास अधिकारी महोदय को भी कहा था और बिजली एएन को भी कहा था, हमारे गद्दार से जांच कराई थी, जिसमें भिन्नता आई थी। तो मैं कल खुद चेक करके आया था, इस संबंध में मैंने सभी को निर्देश दिए कि अगर भविष्य में इस तरह की गलती पाई जाती है, रॉ वाटर ही सप्लाई किया जाता है, तो संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नगर पालिका को भी आपने पाबंद किया सर? नगर पालिका को बिल्कुल पाबंद किया। नगर पालिका को आज से लगभग 6 माह पहले नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो ये पीछे कचरा पड़ा है इसको यहाँ ना डालकर इनकी 2 बीघा जमीन इनके नगर पालिका के नाम है उस में डालें। उसके बावजूद भी ये इस जगह कचरा डाल रहे हैं, जबकि वो जमीन इनके नाम है फिर भी उसमें नहीं डाल रहे, जो इनकी लापरवाही का प्रतीक है। एक सिंचाई विभाग को भी आपने? हाँ, सिंचाई विभाग में भी कई जगह पानी चोरी की शिकायत आ रही है, तो उनको निर्देशित किया है कि जो अगर सिंचाई के लिए पानी है तो सिंचाई के लिए रहे, पेयजल के लिए तो पेयजल के लिए है, अगर इसमें चोरी की सूचना मिलती है तो तत्काल कार्रवाई करें। और बाल विभाग भी, विभाग है उसके बाल विकास और एजुकेशन को भी आपने वो कहा ना डेस्क के लिए एजुकेशन, शिक्षा विभाग। हाँ, एजुकेशन में जो बीपीएल परिवारों के जो बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उनको 25% स्कूल से ड्रेस निःशुल्क मिलती है, जूते निःशुल्क मिलते हैं, पाठ्य पुस्तक निःशुल्क मिलती है, उनके संबंध में जानकारी ली जो दे नहीं पाए, इसके लिए निर्देशित किया, अगली मीटिंग में वो पर्याप्त सूचना लेकर आए। अच्छा,